गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 15, कोल्ड और हॉट. सो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 पे दिया है. सो देयर वॉज अ वुड कटर. एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट एंड अ कट अ वुड. एक वुड कटर था जो क्या था, क्या करता था, लकड़ियाँ काटता था. तो जनरली वो क्या करता था, एवरी डे मॉर्निंग फॉरेस्ट में जाता था और वुड कट करके लाता था. इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी. इवनिंग के टाइम पे क्या करता था, उस वुड को वो सिटी में बेचता था. वन डे ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट. एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में बहुत ही अंदर तक चला गया. इट वॉज वेरी कोल्ड, हिज फिंगर्स वर बिकम नम. क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी जिसकी वजह से उसकी उंगलियाँ जो थी वो क्या हो गई, सुन हो गई, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा था. ओके. एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड क्लोज टू हिज माउथ. क्या हो रहा था, यहाँ पे ज़्यादा कोल था इसलिए उसने क्या किया, उसके पास जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उसको रख दी और उसके हैंड को वो क्या कर रहा था, अपने माउथ के तरफ लाके उसको क्लोज कर रहा था. ओके. देन ही वुड ब्लो हार्ड टू वार्म देम. वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मिया बेलिस्टे वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर. जब भी वो वुड कट कर रहा था तो वहाँ पे एक और एक कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, मिया बेलिस्टे. उसने क्या किया, वो वहाँ से जब भी वो वुड कट कर रहा था तो कॉर्नर से उसे देख रहा था. मिया बेलिस्टे सो दैट द वुड कटर कैप ब्लोइंग एयर ऑन हिज हैंड. ही बिगन टू वंडर दैट वॉज ऑल दैट अबाउट, बट ही कुड नॉट फिगर इट आउट. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that woodcutter may not like being asked. उसको क्या लगा, ऐसा वो जनरली ऐसा कर रहा था तो जो मियाँ जो था, मियाँ कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या करना, उसको जनरली ये आइडिया नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. तो वो वहाँ पे जाके उसे पूछना चाहता था लेकिन वो उसने पूछा नहीं. आफ्टर वॉकिंग अ लिटल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड. जनरली ये उसको फिर लगा कि ये मुझे पूछना नहीं चाहिए. Finally, Mia Belliste could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" उसने क्या कहा? उसके बाद क्या किया? Mia Belliste जो था, उसने क्या कहा? क्या करा? उसके पास गया, वुड कटर जो है उसके पास गया और उसको पूछा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. तो उन्होंने क्या कहा? Seeing this tiny person, the wood cutter was amazed and amused. Generally, ये जो छोटा इंसान था उसको देख के, मियाँ जो है वो बहुत छोटा है हाइट में, टाइनी पर्सन है, तो उसको देख के वुड कटर जो था उसने क्या किया, वो सरप्राइज हो गया. ओके. But he hid his smile and said, of course, what do you want to ask? अब क्या किया, वुड कटर जो था वो पहले तो सरप्राइज हो गया है उसको देख के, तो जनरली उसने अपनी हंसी छुपाई और क्या बोला, उसे बोला कि हाँ क्यों नहीं, व्हाट डू यू वांट टू आस्क. ऑफ कोर्स व्हाट डू यू वांट टू आस्क, जो भी आप पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो. ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड. जनरली क्या हुआ यहाँ पे, तो वो जो टाइनी पर्सन मिया ब्रेरिस्टे था उसने पूछा कि आप क्यों बार बार अपने मुंह से एयर निकाल के अपने हैंड्स पे उसे ब्लो कर रहे हो. ओके. सेड मिया बेलिस्टे. यहाँ पे मिया ने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया. ओके. द वुड कटर रिप्लाइड, इट्स टू कोल्ड. वुड कटर ने क्या रिप्लाई दिया, यहाँ पे बहुत ठंड है. माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे जो हाथ है वो जम गए हैं, फ्रोज हो गए. सो आई ब्लो एयर ऑन देम टू वार्म देम अ लिटल. सो मैं माउथ से वार्म एयर निकाल रहा हूँ उसको थोड़ा गर्म करने के लिए. ओके. देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाई ब्लोइंग. और फिर से जब वो कोल्ड हो जाता है तो फिर से मैं माउथ से एयर निकाल के उसे गर्म करने की ट्राई करता हूँ. ओके. मिया बेलिस्टे नोडेड, ओह. So that seat, and with that he moved away. अब मियाँ को पता चल गया कि क्यों, किस रीज़न से वो ऐसा कर रहा था, तो उसने क्या कहा, ओके दैट सीट, तो ये बात है. तो उसके बाद वो क्या किया, उसने वहाँ से वो
मूव अवे, मतलब कि वहाँ से वो चला गया. बट ही स्टेड नियर बाई एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम. लेकिन वो चला गया मतलब कि फिर से वो थोड़ी दूरी पे गया और उसके बाद फिर से वो उसके ऊपर अपनी आई इसका आई रख रहा था, मतलब कि उसे वहाँ से देख रहा था. ओके, सून इट वॉज आफ्टरनून, द वुड कटर बिगन टू थिंक ऑफ लंच. सून इट वॉज आफ्टरनून, उसके बाद जल्द ही दोपहर होने वाली थी, जिसके बाद वुड कटर को लगा कि अब मुझे लंच कर लेना चाहिए. ओके, ही पिक्ड अप टू स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, उसने क्या किया, दो पत्थर उठाए और एक चूल्हा बनाया. ही लिट अ फायर एंड पुट स्मॉल हंडी फिल्ड विथ पोटैटोस टू बॉइल, उसने क्या किया, उसने फायर जलाया और उसके बाद उसके ऊपर एक पॉट रखा, हंडी रखी, जिसमें क्या था, पोटैटो था. तो जनरली वो क्या करना चाहता था, पोटैटो को बॉइल करके वो खाना चाहता था लंच में. सो द वुड वॉज डैम्प, सो द वुड कटर बेंड डाउन एंड ब्लूड ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न. अब क्या था, वुड जो था वो थोड़ा गीला था, इसलिए वो जल नहीं रहा था. तो वुड कटर जो था वो थोड़ा बेंड डाउन हुआ और उसने क्या किया, वहाँ पे एयर को ब्लू किया, जिसकी वजह से उसे आग आग जलने में थोड़ी हेल्प हो जाए. ओके, उसके बाद तुरंत आग जल गई. बेलिस्टे वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये जो मियाँ था, मियाँ बेलिस्टे था, उसने क्या किया था, वो क्या कर रहा था, दूर से उसे देख रहा था. ही सेड टू हिमसेल्फ, आर देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग एयर फ्रॉम हिज माउथ, उसने क्या सोचा, ये फिर से क्यों मुँह से एयर निकाल रहा है. ओके, दस फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, क्या फायर इसके मुंह से निकल रही है, ऐसा उसने सोचा. द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वुड कटर जो था उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी. ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम हंडी, उसने क्या किया, हंडी से पोटैटोज निकाले. ही ट्राई टू ईट इट बट द पोटैटोज वेरी हॉट, वो उसे खाना चाहता था लेकिन पोटैटोज क्या थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे. ओके, ही अगेन बिगन टू ब्लो एयर ऑन इट, फू फू, उसने क्या किया, उसको ठंडा करने के लिए फिर से अपने माउथ से एयर को ब्लो किया. तो फिर से उसको, बैरिस्टे को फिर से यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा. अरे सेड बैरिस्टे टू हिमसेल्फ, ही इज ब्लोइंग अगेन, नाउ व्हाट, इसने फिर से माउथ से एयर निकाला, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों किया है उसने, ऐसा उसको क्वेश्चन हुआ. ही इज गोइंग टू बर्न द पोटैटो, क्या ये पोटैटो को जलाना चाहता है, उसको क्या था ऐसा कि मुंह से वो ब्लोइंग एयर कर रहा था, उसे लग रहा था कि इसके माउथ से शायद फायर निकल रही. तो इसको क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या वो पोटैटो को जलाना चाहता है. आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर टाइम फूफू द वन वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगन टू ईट इट, क्या क्या अगेन थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम फिर से उसने क्या किया, एयर को ब्लो किया और उसके बाद पोटैटो को उसने अपने माउथ में रखा और फिर उसने उसे खाया. नाउ मिया वॉज वेरी सरप्राइज, ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर. हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू आस्क यू क्वेश्चन अगेन, उसने क्या किया, इसको सब ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि उसका उसके उसको सॉल्यूशन चाहिए था कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है. तो जनरली फिर से वो वुड कटर के पास गया और फिर से क्वेश्चन पूछा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं फिर से आपको कुछ पूछ सकता हूँ. तो वुड कटर रिप्लाई, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू. वुड कटर ने क्या कहा, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछो. मिया बैरिस्टे से, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड टू वार्म देम, सुबह आपने मुझे बताया था कि आपके हैंड जो कोल्ड हो गए थे उसको वार्म करने के लिए आपने क्या किया था, माउथ से एयर को ब्लू किया था. ओके, नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन हिज पोटैटो विच इज हॉट ऑलरेडी, नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन हिज दिस पोटैटो, अब आप फिर से ये पोटैटो पे एयर ब्लो कर रहे हो और जबकि वो तो पहले से गर्म ही है. सो व्हाई डू यू वांट टू मेक इट हॉटर, तो आप उसे ज़्यादा गर्म क्यों बनाने चाहते हो, ऐसा उसने पूछा. नो नो माई लिटल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज टू हॉट, तो वुड कटर ने क्या रिप्लाई दिया, नो नो माई फ्रेंड, ये जो पोटैटो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है. ओके, आई एम ब्लोइंग एयर ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं जनरली इस पर एयर क्यों ब्लो कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मुझे कूल डाउन करना है, थोड़ा कम ठंडा हो जाए, इसलिए मैं उस पर एयर को ब्लो कर रहा हूँ. व्हेन ही हर्ड दिस, मिया बैरिस्टे फेस बिकम पेल, ही बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर एंड स्टार्टेड टू बैक अवे. द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, ही सेड, व्हाट्स रॉन्ग मिया, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड,
जनरली क्या हुआ, ऐसा इसने रिप्लाई दिया तो वो जनरली कांपने लगा, उसको डर लगने लगा और फिर से वो जाने की कोशिश में था। लेकिन वुड कटर क्या था, अच्छा, एक अच्छा इंसान था। तो उसने क्या किया कि उसने पूछा उसको कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है मियाँ, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या आप ठंड की वजह से कांप रहे हो, ऐसा उसने पूछा। बट मियाँ बैरिस्टर केप्ट गोइंग बैकवर्ड्स। व्हेन ही वॉज एट अ सेफ डिस्टेंस अवे ही सेड टू हिमसेल्फ, वॉट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस, श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जीन। जनरली क्या हुआ, यहाँ पे उसको लगा, मियाँ को लगा कि ये कौन से टाइप का क्रिएचर है, जो मुझे तो लगता है कि ये या तो घोस्ट होगा या तो जीन है। ओके, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रीथ, उसने क्या कहा, एक ही टाइम पे वो गर्म हवा भी निकल रहा है, ठंडी हवा भी बाहर ब्लो कर रहा है, तो क्या ये एक ही टाइम पे सेम टाइम पे ऐसा कैसे पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। यस दैट्स राइट, देर आर सम थिंग्स दैट कैन सीम दे कैन नॉट बी बट दे आर, यहाँ पे क्या हुआ रहा है, हाँ ये बात सही है, लेकिन कुछ थिंग ऐसी होती है जब देर आर सम थिंग्स दैट सीम दे कैन नॉट बी बट दे आर, यहाँ पे क्या हुआ, जो दिख रहा है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं, इस तरह का यहाँ पे थोड़ा लॉजिक हो गया है। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दी है उस स्टोरी बेस्ड पे, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो आज हमारी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, ये कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।